हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई थिंक अब तक जितने भी व्लॉग हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा स्पेशल आज का व्लॉग है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करें हैं 25,000 सब्सक्राइबर्स। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस फास्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि माइलस्टोन इतना बड़ा है कि सेलिब्रेशन तो बनती है। सो आज के ब्लॉग में आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसी सेलिब्रेशन होगी, क्या करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ डेकोरेशन का सामान लेने। मुझे 25K वाले फॉइल बलून्स लेने थे, तो उसके लिए हम लोग नियरेस्ट स्टोर जा रहे हैं। और रास्ते मुझे इतने हसीन बादल नजर आए, तो मैंने सोचा इसकी भी एक जो है ना क्लिप मैं लाजमी लेके आप लोगों के साथ शेयर करूं। गाइस, हम आ चुके हैं डिस्काउंट सेंटर। हमारे घर के करीब सबसे यही है, यहाँ से हम अंदर जाके बलून्स लेते हैं और उसके बाद फिर हम पहले तो देखते हैं बलून्स यहाँ पे अवेलेबल हैं भी या नहीं है। अगर अवेलेबल होते हैं तो लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्योंकि वर्किंग डेज़ में आए हैं तो इसीलिए जो है ना डिस्काउंट सेंटर काफ़ी खाली लग रहा है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होता है वीकेंड्स पे और बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जाते हैं इनके स्टेशनरी सेक्शन में। मुझे याद नहीं है कि इनका स्टेशनरी सेक्शन कैसा है, तो अभी वहाँ जा कर चेक करते हैं। यहाँ पे जो है वो बहुत कम नंबर्स अवेलेबल हैं, सारे हमें मिल ही नहीं रहे और साइजेस भी काफ़ी छोटे हैं। डिस्काउंट सेंटर से कुछ भी नहीं मिला है, और वहाँ पे बलून्स थे लेकिन वो बहुत ही छोटे साइज़ के थे। आई थिंक 18 इंचेस के थे, ऐसे हमें थोड़े बड़े चाहिए थे बलून्स। तो अब हम लोग जो है वो किसी दूसरे स्टोर में चेक करने के लिए आएँ। हम लोग 3 स्टार आ गए और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे, क्योंकि इनका स्टेशनरी सेक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा है। जो है भाई ये 24 आवर्स के लिए ओपन हो गया है, ये अच्छी चीज़ हो गई है। ये देखें किन्ज़ा कोला, ये मैंने इसलिए कैप्चर किया क्योंकि मेरी बहन का नाम किन्ज़ा है, और अगर ये देखेगी तो उसको पता चलेगा यहाँ किन्ज़ा कोला भी है। थर्टी टू इंचेस वाले हैं, 40 इंचेस वाले नहीं हैं। मुझे 40 इंचेस वाले चाहिए थे, लेकिन अभी 32 इंचेस वाले ही मैंने ले लिए हैं क्योंकि मिल नहीं रहे। सो गाइस, 25K की सेलिब्रेशन की खुशी में मैंने सोचा है कि इस बार केक मैं ख़ुद घर में जो है वो ट्राई करूँगी। हमेशा हम लोग बाहर से केक ऑर्डर करते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैं बना रही हूँ ब्लूबेरी चीज़ केक नो बेक। तो उसी का सामान लेने हम लोग आए हुए हैं, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर स्पेशल, तो इसलिए मैं बनाऊँगी केक इस बार। तभी मैं केक का सामान देखने के लिए कैरफोर आई हूँ। ये मुझे कैरफोर के अलावा ऐसी कोई जगह समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो इसलिए अभी चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये देखें जी, सारा सामान आ गया है, और मैंने जो है ना अपने घर वाली ग्रॉसरी से सेपरेट इसका बिल रखा है, ताकि जो है ना मुझे कॉस्ट का आइडिया हो। तो मैंने जो है ना घर का सामान सेपरेट कर दिया है और ये वाला सामान सेपरेट कर दिया। मैं अभी आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ किस ब्रांड की ली है। आयजल और मेरा अपनी ट्रॉली में चल कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं अभी केक बनाने वाली हूँ घर जाके। तो मैं अपने किचन में आ गई हूँ, और सबसे पहले मैंने ये अपने स्टील विस्कर्स और जो स्टील बोल है इसको फ्रीज़र में रख दिया है, क्योंकि जो है वो ये अच्छे तरीके से ठंडा होगा तो ही व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह बीट होगी, और उसके बाद मैं अब केक की तैयारी स्टार्ट करी हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी ब्लूबेरी सॉस। पहले मैं बनाने लगी हूँ ब्लूबेरी सॉस, जो केक पे एज अ टॉपिंग यूज़ होगी। तो उसके लिए मैंने 125 ग्राम्स के 2 पैक ले लिए हैं, तो टोटल 250 ग्राम्स मैंने ब्लूबेरीज़ ली हैं, और ये छोटे वाली अपनी कढ़ाई में मैं सॉस बनाऊँगी। तो मैंने तकरीबन 1.5 पैक्स ले लिए हैं, उनको वॉश कर लिया है, और इनको मैं बस डायरेक्टली अपने सॉस पैन में ऐड कर रही हूँ। पानी मैं अराउंड 1/4 कप इसमें ऐड करूँगी, जब थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें शुगर एज़ पर टेस्ट ऐड करेंगे। तो शुगर जो मैंने ऐड की है वो अराउंड 3 टेबल स्पून ऐड की है, क्योंकि मुझे बहुत स्वीट सॉस नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा स्वीट चाहिए तो आप ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेशो जो है वो परफेक्ट था। जैसे ये थोड़ी सी बबल्स आने शुरू हो जाएँ, आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड कर दें। और ये देखिए ब्लूबेरी सॉस का कलर, मतलब इतना अमेजिंग पर्पल कलर आ गया है, बिल्कुल जो स्टोर बॉट होती है ना ब्लूबेरी सॉस, बिल्कुल वैसी लग रही है। और अभी बस ये थोड़ी देर में आप इसको थिक होने देंगे, जैसे ये थिक होगी सारी ब्लूबेरीज जो है वो उसमें बर्स्ट हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये देखें काफ़ी थिकनेस हो गई है। तो इन दी एंड मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लूबेरीज ऐड कर दी हैं, जस्ट टू गिव इट अ ब्यूटीफुल टेक्स्चर, और थोड़ी थोड़ी ब्लूबेरीज नज़र भी आएँ। तो बस जैसे ये सॉस प्रॉपरली थिक हो जाएगी आप इसको रख दें,
और जब ये ठंडी हो जाए फिर आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाली सॉस को ना आप पैनकेक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, वाफल्स पे और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जी अब मैं कर रही हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप जिसमें मैं बनाऊँगी बेस, और बेस जो है वो मैं अपने इस बेकिंग पैन में बना रही हूँ। ये देखें बटर का ये हशर हुआ है, इतनी शदीद गर्मी है कि पूरा बटर जो है वो सिर्फ ग्रॉसरी से लेके यहाँ आने तक मेल्ट हो गया है। और उसके साथ मैं बेस बना रही हूँ मैरी बिस्किट की। आप कोई और बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डाइजेस्टिव वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैरी बिस्किट्स की जो बेस होती है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। मैं डाइजेस्टिव की भी कभी कभी यूज़ करती हूँ लेकिन वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो मैंने जो है वो अराउंड 50 ग्राम्स बटर को मेल्ट कर लिया है, और ये जो पैक था मैंने उसका हाफ पैक ले लिया है मैरी बिस्किट्स का। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। मैं हमेशा अपना जो है वो मिनी चॉपर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा क्विक होता है। तो बस इसमें जो है वो मैंने सारे बिस्किट्स ऐड कर दिए हैं, इनको एक या दो दफ़ा मैं चॉप करूँगी, उसके बाद मैं ये मेल्टेड बटर ऐड करूँगी और एक दफ़ा और चॉप करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा कोर्स मिक्सचर होना चाहिए, और उसके बाद मैं इस मिक्सचर को जो है वो बेस में ऐड कर दूँगी। ये सारा मिक्सचर मैंने इस पैन में ऐड कर दिया है। उसके बाद आप उसको किसी भी चीज़ से इवन कर लें। मैं ग्लास यूज़ कर रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स से आपको जो है वो सेट नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फोर्स रखनी है। और जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए उसके बाद आप इसको थोड़ी देर जो है वो फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से ये कम्प्लीटली अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और फिर बेस जो है ना क्रम्बल नहीं होगी इसकी। अच्छा जी, तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मुझे जो है वो अब केक बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये क्रीम चीज़ बाहर रख दी है। इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करनी है। मैं क्री की क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे ये वाइट चॉकलेट मेल्ट करनी है, तो मैं अराउंड 150 ग्राम्स ले रही हूँ। 1.5 बार्स मैंने लिए, एक बार 100 ग्राम की है, तो उसको मैं नॉर्मल माइक्रोवेव में डाल के जो है वो गर्म कर लूँगी। 10-10 सेकंड्स के रेशियो से आपको जो है ना चलाना है माइक्रोवेव। आप डबल बॉयलर मेथड से भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, मैं सिंपली माइक्रोवेव मुझे ईजी लगता है तो मैं माइक्रोवेव यूज़ कर रही हूँ। ये देखें जी, माइक्रोवेव में जो है ना बहुत ही स्मूथ सी मेल्ट हो गई है वाइट चॉकलेट। और आपने इस तरीके से मेल्ट करनी है कि पहले आपने 10 सेकंड्स चलाना है माइक्रोवेव, उसके बाद निकाल के उसको जो है ना आपने मिक्स करना है, फिर 10 सेकंड इस तरीके से। मैंने अराउंड 30 सेकंड से भी थोड़ा सा कम था तो मेरी जो है वो क्रीम कम्प्लीटली मेल्ट हो गई थी। चलिए जी, अब सारी तैयारी हो गई है। मैंने जो फ्रीज़र में बोल रखा था वो मैंने निकाल लिया है। व्हिपिंग क्रीम मैं ये पक्की यूज़ कर रही हूँ, 200 ml है ये। इसको आप सिंपली जो है वो अपने हैंड बीटर से बीट कर लेंगे, और जो आपकी क्रीम है उसके आपके सॉफ्ट पीक्स बनने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिफ़ पीक्स ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखें, इस तरीके की जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैंने अराउंड 300 ग्राम क्रीम चीज़ ले ली है, जो मैंने आपको क्री की दिखाई थी वही वाली क्रीम चीज़ है ये। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी वनीला पाउडर, आप वनीला एसेंस भी ले सकते हैं। मैं 1 टीस्पून वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ। क्रीम चीज़ और वनीला पाउडर को मैंने एक साथ व्हिप कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है मेल्टेड चॉकलेट। मेल्टेड चॉकलेट के साथ भी आपको दोबारा से अच्छा सा मिक्स करना है। तो फिर अब आपके पास दो मिक्सर आ जाएंगे, एक क्रीम चीज़ और मेल्टेड चॉकलेट के साथ होगा, और एक जो है वो सिंपल व्हिपिंग क्रीम होगी। उसके बाद आपने इन दोनों को जेंटली फोल्ड कर देना है आपस में, उसके बाद आपने व्हिप करना, उसके बाद आपने सिंपली जो है वो अपने हैंड से किसी स्पैचुला से सिंपली फोल्ड करना है। अब मैंने निकाल लिया है अपना पैन जो मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा हुआ था, उसका क्रस्ट। उसके अंदर मैं ये सारा मिक्सचर ऐड कर दूंगी, और आप उसको ऐड करने के बाद हल्का सा टैप कर लें ताकि हर जगह से इवन हो जाए और उसमें बबल्स ना हो। बस उसके बाद इसको सिंपली क्लिंग रैप से कवर करके मैं रख दूंगी फ्रिज में, और अब मैं इसको कल निकालूंगी। द नेक्स्ट डे बलून जो मैं लेके आई हूँ, सिर्फ यही लेके आई हूँ। So these are the balloons. और हम सोच रहे हैं कि बस यहाँ पे एक टेबल कवर लगाएं, बलून्स फुलाएं, केक रखें और बस जल्दी से केक कटिंग कर लें। तो मैंने क्या एक काम आसन को दे रहे कर लें जल्दी से काम का, बस फिर जो है ना ये अपना सीक्वेंस वाला वो बिछा लिया है, ये अपना एक वॉस रख लिया है, और दैट्स इट। यहाँ पे हम बलून लगा देंगे 25 की, और हमारी हो जाएगी सेलिब्रेशन। चलें जी, अब मैंने फ्रिज से ये केक निकाल लिया है, और इसको अराउंड 24 आवर्स नहीं हुए, अराउंड 20 आवर्स हो गए, और ये मैंने गर्म पानी रखा हुआ है। अब हम करेंगे इसको ओपन, और गर्म पानी में मैं नाइफ को डिप करके इसकी साइड्स क्लियर करूँगी, और उसके बाद जो है वो ये देखें सिंपली आपने नॉर्मल गर्म पानी में डिप करना है नाइफ को, ताकि ये ईजिली जो है ना साइड्स इसकी क्लियर हो जाएँ। और उसके बाद बस फिर मैं इसको ओपन करूँगी पैन को, और ये देखें दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक राइट नाउ। और इसकी एजेस जो है वो थोड़ी सी रफ़ हैं, जिसको मैं सिंपल जो है वो अपने इस स्पैचुला से जो है वो स्मूथ कर लूँगी। और ये देखें, ये मेरा ब्लूबेरी सॉस भी आ गया है जो मैंने बना के पहले से फ्रिज में रखा हुआ था, तो बस इसके ऊपर जो है वो मैं ये ब्लूबेरी सॉस, ये बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ये मैं इस केक के ऊपर जो है वो लगा दूँगी। जैसे वन बाय वन मैं ये दिस फ्रॉस्टिंग टॉपिंग जो है वो काफ़ी है इसके लिए। एंड यू कैन सी आइजल इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग हियर एंड चेकिंग।
Do you know what I'm putting on this? I don't know. What? Blueberry sauce. Blueberry sauce. How's it? तो गाइज ये देखें, ये जो है वो टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी थोड़ा सा ब्लूबेरी सॉस बच गया है, वो मैं रख दूंगी फ्रिज में। और ये देखें मैंने इसकी जो एजेस भी हैं वो भी स्मूथ कर ली, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ लुकिंग लाइक। इट इज़ लुकिंग सो सो डिलीशियस और मैं बहुत टेम्प्ट हो रही हूँ ट्राई करने के लिए, बट वी हैव टू वेट अ लिटिल। हमारी ये छोटी सी सेलिब्रेशन रेडी है और मैं जो हूँ सबको कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस अभी हम लोग जो है वो केक कटिंग करेंगे और उसके बाद केक ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कैसा बना, और बाकी लोग रिव्यूज देंगे कि केक एक्चुअली बना कैसा है। ओके गाइस, ओके, यू वांट टू ईट चीज केक? किड्स आर सो एक्साइटेड टू ट्राई चीज केक, एंड यू? चीज़ केक जो है वो बेहतरीन बना था, और मतलब जो प्रोपोर्शन था इट वाज अमेजिंग। लाइक जो क्रस्ट था, जो ब्लूबेरी सॉस था, जो चीज़ केक था, तो आई थिंक यू शुड फॉलो एग्जैक्ट सेम रेशो बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट चीज़ केक्स। और मुझे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं थी कि नो बेक चीज़ केक भी इतना अच्छा बनेगा, बट इट वॉज रियली गुड। लेकिन येस, यू शुड हैव अ टेस्ट बर्ड फॉर चीज़ केक्स। और उसके अलावा जो रेगुलर चीज़ केक है वो ऐसा ही बनेगा। आप टॉपिंग आप चेंज कर सकते हैं, चाहे आप लोटस टॉपिंग करें, स्ट्रॉबेरी करें, मैंगो करें, या फिर पीच केक भी होता है तो वो करें, तो वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन मोस्ट फेमस जो है वो ब्लूबेरी है, या स्ट्रॉबेरी है, या फिर लोटस। ये तीन जो है वो सबसे ज़्यादा रनिंग फ्लेवर्स हैं और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर केक्स, क्योंकि इंग्रीडियंट्स एक्सपेंसिव हैं। लेकिन देन अगेन इट कॉस्टेड मी अराउंड हाफ द अमाउंट जितनी अगर मैं एक रेगुलर चीज़ केक बाहर से जाके ख़रीदूँ, तो जितनी कॉस्ट है उसकी आधी कॉस्ट में ये चीज़ केक बनाए। सो इट्स अ गुड डील आई गेस, और इट्स नॉट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो, इट्स एन ईजी रेसिपी। तो आप लोग बनाएं, और अगर आप लोग बनाएं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग जो है वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया। और ठीक एक साल पहले जब जुलाई था तो हम लोग आई थिंक 1.7 के सब्सक्राइबर्स पे थे, 1.7 के 1.8 के सब्सक्राइबर्स पे थे, और आज हम जो वो 25 के प्लस पे जा चुके हैं। सो अ ह्यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन।